अस्सलाम वालेकुम लानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। लानी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो लानी भाई, जैसा कि आज जुमा है तो हम एक व्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं इधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से। अच्छा। तो आज माशाल्लाह नईम भाई अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आए हैं हमारे पास, जैसा कि हर जुमा को हमारे पास तशरीफ लाते हैं। तो आज हम नए व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो नईम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके हम मशहूर हैं कि आप एम अब्दुल्ला पे टाइम निकाल कर आते हैं। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हायर की रेफ्रिजरेटर, जो कि चाइना की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। प्लीज नहीं भेजा, प्लीज ये आप सारे मॉडल। मैं ये गाइस, मैं आपको एक ये मॉडल मुकम्मल दिखा दूं। ये देखें गाइस, ये हायर के मुकम्मल इनके डिस्प्ले लगा हुआ है इधर एम अब्दुल्ला पे। ये देखें, ये देखें गाइस, मुकम्मल वैरायटी लगी है। तो आज जो हमने व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर पे। तो गुलानी भाई जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मोस्ट वेलकम, हाजिर है जी। मेरे ऑनरेबल व्यूज, काइंडली हम रेफ्रिजरेटर की बात करने जा रहे हैं कि प्लीज इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें इंशाल्लाह अजीज आपका भला होगा, आपका फायदा होगा। आज हम जिस मॉडल की बात करने जा रहे हैं ये इन्वर्टर सीरीज में है, 2023 का मॉडल है हायर में। इसकी 10 साल कंप्रेसर की 1 ईयर पार्ट्स की वारंटी है। ग्लॉसी लुक में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्वर्टर सीरीज है, ग्लॉसी जी। ये दिखाइएगा ये गाइस, ये देखें जी, ये इन्वर्टर सीरीज है। इन्वर्टर जी, टच पैनल के साथ है। अच्छा, ये टच पैनल है जी। जी बिल्कुल, हम पहले रेफ्रिजरेटर्स होती थी उनको जो है ना हम मैनुअली ऑपरेट करते थे, लेकिन अब जो 2023 के मॉडल आए हैं इसको हम जो है टच के साथ ऑपरेट करेंगे। जैसे मोबाइल यूज करते हैं सेम एज इट इज, इसको हम टच के साथ ऑपरेट करेंगे। इसका टेम्परेचर जो है जोन ये दिया गया रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के लिए, यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। अब चलते हैं इसके अंदर, आए प्लीज दिखाइएगा। वाइट बॉडी में ये आप जो मॉडल देख रहे हैं 14 क्यूबिक फीट साइज है। 1 क्यूबिक फीट जो है कैपेसिटी 28.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। ये 14 क्यूबिक फीट में है, वाइट बॉडी में है। इसकी शेल्फ जो है ग्लास में है। अच्छा। कुछ कस्टमर जो है ना नहीं भाई घबराते हैं कि ग्लास शेल्फ्स हैं ये टूट जाएंगी। हाँ, टूट जाएंगी, सही बात है, ये सवाल करते हैं कस्टमर। जी जी बिल्कुल नहीं भाई। तो इसमें ये है कि आप 100 kg तक वजन रख सकते हैं, सही टेम्पर्ड होती हैं ये, बस इसको ठेस ना लगे। हाँ बस ठेस ना लगे, बेहतरीन क्वालिटी। फिर कंपनी ने वाइड के अलावा इसके अंदर लाइट भी दे दी है, जो कि पहले फ्रिजों में लाइट की गाइस ये देखें जी, ये लाइट लगी, लाइट की भी ऑप्शन है इसके अंदर। ये दोनों तरफ है, ये तरफ। हाँ जी ठीक है जी, ये LED लाइट है। अच्छा, और वाइड बॉडी में है, ये 5-way कूलिंग के साथ है। इसमें बॉटम फ्रंट टॉप लेफ्ट एंड राइट 5-way कूलिंग सिस्टम, 5-way कूलिंग है जी। हाँ अच्छा गाइस, ये देख लेंगे 5-way कूलिंग है, ये वाहिद फ्रिज है ये हायर की, और इन्वर्टर में है जी। इन्वर्टर जी गिलानी भाई। अच्छा, हम इस रेफ्रिजरेटर को सोलर पैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में सोलर पैनल पे काम हो रहा है। सही, सही तो आपके लिए बेहतरीन चीज है, जो सोलर पैनल घर में यूज कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन फ्रिज है। उसमें यह है कि अगर लाइट नहीं भी आ रही आपको बैकअप मिलेगा, आपकी फ्रिज के अंदर जो पड़ी चीजें खराब नहीं होगी। सही बात, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं इसके शेल्फ की तरफ, देख रहे हैं बॉटल गार्ड्स हैं इसके जी जी, डोर इसके देख रहे हैं आप, ये सारे क्रिस्टल में है, ठीक है नहीं भाई। ये अच्छा, ये गाइस के क्रिस्टल वाइट बॉडी में ये। हाँ जी। अच्छा ग्रानी भाई, ये जो आपने बात बताई है कि ये सोलर वाला जो सिस्टम है, ये तो यार बहुत अच्छा है, इन्होंने सिस्टम दे दिया है कि सोलर पे चलेगी ये। जी बिल्कुल नहीं भाई, आगे नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर काम ही यही हो रहा है सोलर पैनल का। अच्छा जी हाँ, प्लीज सामने आए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जी इसके एक्सेसरीज में जो ना कंपनी ने एग्स के लिए भी ट्रे दे दी है, 2 ट्रे हैं। सही बात। इसके अलावा आइस क्यूब्स के लिए भी दे दी है। अच्छा ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, ये 2। इसके अलावा ये स्क्रबर है, काइंडली कभी भी जो है फ्रीजर की आइस को साफ करना हो तो कोशिश करें आप जो है ना वो नोकीली चीज इस्तेमाल हरगिज ना करें, ये इस्तेमाल करें। इसको साफ करने के लिए बेहतरीन हल मैं पर्सनली सजेशन आपको दूंगा कि फ्रिज को स्विच को ऑफ करें, बंद कर दें जी, दरवाजा ओपन कर दें। आपके किचन में अगर फैन लगा तो फैन लगा दें, इसको ओपन कर दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, इंशाल्लाह आपकी जो इधर बर्फ लगी हुई मेल्ट हो जाएगी, आप इसको आसानी से इस्तेमाल साफ कर सकते हैं। सही बात। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप एक बाउल के अंदर गर्म पानी लें, एक कपड़ा लें, ठीक है क्लॉथ पीस के साथ आप इसको साफ कर सकते हैं, बर्फ जो जल्दी मेल्ट हो जाए। सही बात। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी रेफ्रिजरेटर की तरफ। जी गिलानी भाई प्लीज ये रेफ्रिजरेटर दिखाएं। ये गाइस ये देखें इसका रेफ्रिजरेटर मुकम्मल, ये टर्बो जी नहीं भाई, ये ABTB जो है ना इसका टर्बो कूलिंग सिस्टम है। ये देखें गाइस, ये देखें इसका फायदा मैं अब आपको बता देता हूँ। इसका फायदा ये है कि जब आप फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं ना जी जी, तो इसका फैन अंदर से ऑन हो जाता है। अच्छा, जब फैन ऑन होगा तो इसकी कूलिंग चारों तरफ मेंटेन रहेगी। जब चारों तरफ कूलिंग मेंटेन रहेगी, जो इसके अंदर आपने सब्जियां फल जो आपने इसके अंदर सामान सालन वगैरह दही दूध वगैरह रखा है, उसकी जो
क्वालिटी है ना वो 10 दिन तक बरकरार रहेगी। 10 दिन तक उसके विटामिन में डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, मगर जायका बरकरार रहेगा उसका। जायका बरकरार है। ओके। फिर इसमें कंपनी ने एक लाइट दे दी है बीप। अच्छा, उसका फायदा ये है। ये भाई कौन सी ये लाइट है? ये इसके अंदर एक लाइट दे दी है उन्होंने, वो इसके अंदर है। ये मैं दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये देखे जी, लाइट दे दी है इसके अंदर जी। अच्छा अच्छा, ये लाइट है जी। हाँ जी, इसके अंदर लाइट दे दी है और इसके अंदर हल्की सी बीप होती है। इसका मकसद ये है कि हल्की सी बीप जो है ना इंसेक्ट्स को इसके करीब नहीं आने देगी। सही, इंसेक्ट्स से बिल्कुल पाक होगी, जरासीम नहीं होंगे। फिर हैवी ड्यूटी में शर्ट दे दी है। फिर इसका देख रहे हैं आप, ये वेजिटेबल बॉक्स, ये भी मजबूत है। तकरीबन 20 केजी तक आप इसके अंदर मटेरियल रख सकते हैं, सब्जियां और आप फल वगैरह रख सकते हैं। फिर इसके अंदर कंपनी ने दरवाजे के अंदर जो है ये ब्यूटी केयर के लिए दे दी है। आपके घर में ब्यूटी केयर का सामान होता है, फिर आप बॉटल्स रख सकते हैं। अच्छा, अगला भाई, ये ब्यूटी केयर क्या चीज है? ब्यूटी केयर जो लेडीज का, अच्छा अच्छा, जैसे ब्यूटी पार्लर का सामान होता है। जी जी, कॉस्मेटिक का सामान गर्मी में पिघल जाता है, खराब हो जाता है, इसमें ये चीज होती है। सही बात, ठीक है। आप अच्छा, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखे गाइस, ये देखें, ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये ब्यूटी केयर और एक क्रिस्टल में हैवी ड्यूटी है ये। हाँ, अच्छा, इसकी आप शेल्फ देख रहे हैं, ये भी हैवी ड्यूटी में, ग्लास में ठीक है, टेम्पर्ड है। इसके अंदर आप 100 केजी तक वजन आसानी रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी वारंटी की तरफ जी। सबसे अहम बात होती है ना कि आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से सही, तमाम कंपनीज के नंबर जो है ना गारंटी कार्ड की बैक साइड पे दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें 10 साल कंप्रेसर की वारंटी दी गई है, ये गौर कर रहे थे, प्लस 3 ईयर दिया गया, 10 साल 3 ईयर जो वारंटी है ऑनरेबल कस्टमर्स, ये इस सिस्टम की है। अच्छा, जो टच में आप यूज कर रहे होते हैं 10 साल इसकी कंप्रेसर की, टच पैनल की 3 साल की वारंटी और 3 साल इसकी टच की है, टच पैनल की वारंटी, ठीक है, किट की वारंटी है। सही होगा, काइंडली कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो है उसकी वारंटी कार्ड के कायदों जवाबित के मुताबिक ही होंगे। ये देख रहे हैं वारंटी कार्ड के नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, हायर का हेल्पलाइन नंबर है 11114247। ठीक हो गया, नेशन वाइड सर्विसेज मिलती है। सही, कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करें उसकी वारंटी जो है ना आपके अटेंड करवाने के बाद, कंप्लेन कंपनी को करवाने के बाद 3 दिन के अंदर आपकी कंप्लेन अटेंड होती है। अंकलानी भाई, ये यार बहुत आपने अच्छा ये बता दिया कि 3 दिन के बाद कस्टमर तो आपको जैसे ही कंप्लेंट करवाते हैं फौरन आपको कहते हैं कि अभी हो जाए। जी, कस्टमर हार्श हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, हमारी फ्रिज खराब हो गई है। हाँ, ये क्या हो गया भाई, ठीक है फिक्र ना करें, अगर चीज बनी है खराब भी होगी तो कोई मसला नहीं है। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंपनी पीछे पकड़ी है। काइंडली जरा थोड़ा रिलैक्स होकर काम करें, आपको 3 दिन के अंदर कंप्लेंट मिलेगी, हो सकता है पहले दिन में ही आपकी कंप्लेंट अटेंड हो जाए। होता क्या है, सीजन के अंदर रश होता है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में कंप्लेंट्स का रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, वरना फर्स्ट डे में भी आपकी कंप्लेंट अटेंड हो सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली इसके तमाम फीचर्स भी दिखा दे प्लीज, थैंक यू। ये देखे गाइस, ये मुकम्मल जो इसके फंक्शन है ये आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नहीं भाई, आपका फिर से शुक्रिया हमारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा है कि हमारा शॉप का एड्रेस है, शॉप नेम अहमद अब्दुल्ला, 910 राजा चैम्बर, आबिद मार्केट, क्वींस रोड, करतबा चौक, लाहौर। नहीं भाई, हम आपके बहुत मशहूर हैं, हम भी आपके सर, जजाकल्ला। इंशाल्लाह क्यों नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जुमे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नईम भाई की तरफ से, हाशिम गिलानी की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।